अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराया। रैली में भड़काऊ बयान देने का आरोप उन पर लगाया गया। कर्नाटक चुनाव से पहले किस तरह से अमित शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं, आइए जानते हैं। कर्नाटक में चुनावी तापमान उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए अपने तर्कश से सभी तीर निकाल कर चला दिया है। इस बीच अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो राज्य दंगाग्रस्त हो जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहने मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टिकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। तो सुना आपने अमित शाह ने क्या कुछ कहा, और इस पर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 सालों के दौरान कर्नाटक के भविष्य को पहले ही नष्ट कर चुका। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल के बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मोटा भाई के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई और उसको भी ऊपर भी केस बुक हो गया। पहले तो इनके नाम पे कोई केस बुक नहीं होता था, ना इलेक्शन कमीशन से, ना कोई और उससे, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी, इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन भी चेंज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो चीफ जस्टिस है, जो जजे हैं, वो सारे चेंज हो चुके हैं, जो इनकी सही तरीके से धोती फाड़ रहे हैं, खस्ताखे फाड़ रहे हैं, खाकी चड्डे उतार रहे हैं। ये तो होना ही था भाई, हर चीज़ का एक अंत होता, हर पापी का, हर जालिम का खातिमा होता। जो भी इनका हो रहा है, जो बाज़े फ़खर, बाज़े मसर्रत, बाज़े खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कर्नाटक में बहुत बड़ा इंतखाबात, इलेक्शन का उधाम मचे हुआ है। बड़ी गड़बड़ी चल रही है इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन के मद्देनजर। लेकिन बीजेपी इतनी कोशिश कर रही है कर्नाटक हासिल करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसके हाथ को जो है जो टैंटे फिश होगा और उसके क्या लगेगा आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। बहरल कैफ उसने, मोटा भाई ने जिस तरीके से कांग्रेस को कोसा है, कांग्रेस के बारे में बोला है, क्योंकि इनको 2-3 महीने पहले पता चल चुका था कि इनका बिल्कुल सफाया है वहां पर और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इसी तरीके से जैसा ये मालूम हुआ, किसी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर झूठे केसेस करके उसको फंसा के जो है सो उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन उसके साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का चेंज हो गया हुआ है, इसलिए भरोसा रख सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि हाई कोर्ट में तो ज्यादती भी उसके साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा, ये हर कांग्रेसी को पता है, हर अपोजिशन के लीडर को पता है। बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो तरीक़े से ये लोग जो धंधली मचाए हैं, जो उधम मचाए हैं, जो गंदगी मचाए हैं, इसका अंत होना, इसका खातिमा तो तय था और ये होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये मोटा भाई के ऊपर कभी यानी सोच भी नहीं सकते थे, कभी इनके ऊपर एफआईआर होगा, कभी केस दर्ज होगा, कभी केस रजिस्टर्ड होगा इनके ऊपर, लेकिन अब शुभ हो रहा है, क्योंकि अब साफ सुथरे हो रहे हैं, बराबर सबको बराबर एक ही नज़र से देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये लोगों की नस्कशी की है, नस्ल कशी जो हुई है ये लोगों की, इनकी नसों को जो खींचा है,
इससे जो है सो इनकी औकात का इनको पता चल चुका है, इनकी हैसियत इनको मालूम हो चुकी है। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके ऊपर जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किया मैं तो दोहरा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के लिए 1 मिनट 7 सेकंड की वीडियो रखा हूँ जो आप लोग सुन सकते हैं कि कैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करा, आप खुद सुनिए। जबकि एक देश का होम मिनिस्टर होते हुए ऐसी गंदगी बर्पा कर सकता है, एक देश के इतने बड़े पद पर रहकर, तो ऐसे इंसान को देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर हम देशवासियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। और दूसरी चीज इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा वीडियो रहेगा, उसको जिस तरीके से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वो एक चीज ये बोल के निकला, सीबीआई को एक चीज बोल के निकला कि कर्नाटक नहीं जाएगा, कोई गन नहीं मचाएगा, और जो तरीके से जो इसकी जो जांच पड़ताल चल रही है, इसकी जो तहकीक चल रही है, बड़े उस पर इसने बाहर निकल के घर को आया। घर को आने के 3 घंटे के अंदर फ्लाइट कर लेके उसने सीधा कर्नाटक पहुंच गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सन्यासी जोकर बोने की, जो वहां पे रैली कर रहा है। यानी ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। यानी इतना खेल रहे हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट से, सीबीआई से, आखिर ये लोग कौन सी सजा के वो होंगे, ये आप लोग को तय करना है। हम बोलेंगे तो फिर यहाँ तक लगता है घब बोल गए, इसलिए जो है सो हम इशारों इशारों में सब बोल देते हैं। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके ऊपर तो दूसरी वीडियो रहेगी, क्योंकि और कुछ चीजें हैं जो सीबीआई ने इसके ऊपर जो आयद किए है और इसने जो बताया है वो उसके भी पर्देफाश हुए हैं। और इसको बड़े उसमें 2 दिन का टाइम लेके आया था इन्हें, वो चेकअप है इसका, कुछ मायना है इसका, कुछ डॉक्टर की वो है बोल के सर्टिफिकेट आई है वो बता के, लेकिन 3 घंटे के अंदर कर्नाटक पहुंचा उन्हें, जो कि इसकी ये भी वीडियो सेट हो गई हुई है। ये वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट को भी चले गई, सीबीआई को भी चले गई। ये कितना खेल रहा है, ये कितना धोखा दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को और सीबीआई को, ये अच्छी तरह जानते हैं। हम तो इनकी औकात से, इनके हर वो चीज से हमको इल्म है, पता है। 1 मिनट। हेलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत साहब जी? भाई ओके भैया, आइए, वेलकम वेलकम। तो बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब इनके लिए जमीन तंग होनी चालू हो चुकी है, अब इनके लिए जमीन छोटी होनी चालू हो गई है, अब ये बच नहीं सकते किधर से भी। इन्होंने जो जुल्म किया है, जो ज्यादती की है, इन सारे चीजों का इनको हिसाब देना है। अब जिस तरीके से इसको दपोजा गया, कल सीबीआई ने इसके साथ 8.5 घंटे तक पूछताछ की, अब इसको कब बुलाते पता नहीं, वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा। किसको? मोटा भाई के ऊपर भी 7 रजिस्टर्ड हो चुके हैं केसा। अब ये सिर्फ आप लोगों को ये रखा हूं सामने में, जो अभी आज जो हुआ है कर्नाटक के इलेक्शन के मद्देनजर, जिस तरीके से इसने जो बातें किया है, एक संविधान के, हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, और इतने बड़े पद पे रहते हुए इतनी नीच और ग्रेवी हरकत करना किसी के बस की बात नहीं है। बहरल कैफ इन्हों कुछ भी कर सकते हैं अब, लेकिन हमारे को खुशी इस बात की हो रही कि अब इनको किस तरीके से इनके ऊपर केसा बुक हो रहे, किस तरीके से इनके ऊपर पाबंदियां आयद हो रही, किस तरीके से दुनिया में इनका बायकॉट किया जा रहा, किस तरीके से इनको जलील और रुस्वा किया जा रहा। इनको फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये होते ही भी शर्म है, शर्म से और इनसे क्या लेना देना है इनको। इन्हों इंसान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे एक कलंक, एक धब्बा है। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग ये जानना बहुत जरूरी था, मोटा भाई जो हमारे देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखलिया है, अमित शाह जिसका नाम है, नाम भी ले रहा हूँ जबकि मैं गवारा नहीं समझता मैं, लेकिन बाज हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो नाम से ही पहचानते हैं, नाम से ही वाकिफ है, इसलिए ले रहा हूँ। इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और
ऐसे कईयों ऐसे पीएसओ में कर्नाटक के इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया, जो कि बहुत बहुत मुबारक हो। पहले कोई पुलिस नहीं बुक करती थी भाई, खाली नाम सुन के दीवाने हो गए क्या पूछती थी, पागल हो गए क्या, किसका नाम ले रहे पूछती थी। लेकिन अब ये कार्रवाई चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह कहूंगा मैं और कुछ नहीं। और इसके बाद की वीडियो देखो जोकर सन्यासी की, और सन्यासी को तो मैं जहां तक समझता हूँ अब इसकी पदवी जाने वाला है, और इसके साथ जो होगा बहुत खूब होगा इंशाल्लाह। आप लोग बाग बाग हो जाएंगे देख के, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, और इसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा ताकि दूसरों के लिए एक इबरत बन जाए। ये इंशाल्लाह ताला हमको अल्लाह की जात पे भरोसा है, उसके साथ ये होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। और आप लोग भी चश्मदीद भी बनेंगे और गवाह भी बनेंगे इंशाल्लाह, मजा भी लेंगे मजा भी लूटेंगे। बहरल कैफ, मुनज्जम रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए। अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।